हेलो एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आर संडे वीडियोस। आई होप आपको पिछला वीडियो बहुत पसंद आया रहेगा और आपने गिव अवे में पार्टिसिपेट किया है। सो द गिव अवे का लास्ट डेट है 27th of July एंड आफ्टर दैट जो भी संडे रहेगा उसमें आपको विनर्स का अनाउंसमेंट किया जाएगा। सो व्हाट इज़ द टॉपिक फॉर टुडे? टुडेज़ टॉपिक इज व्हाट आर द टिप्स एंड ट्रिक्स। आपने फर्स्ट वीडियो तो देखा रहेगा, ये उससे अलग होने वाला है। बट बिफोर दैट आई वॉन्ट टू मेक अ अनाउंसमेंट। सो बींग अ वेडिंग फोटोग्राफर मेरा एक ड्रीम है कि आई शुड हैव अ टीम। सो दिस इज़ अ शाउट आउट टू ऑल द फोटोग्राफर्स, अ कॉल आउट टू ऑल द फोटोग्राफर्स अंडर द एज ऑफ 25। अब ये एज रिस्ट्रिक्शन क्यों है? मुझे ऐसे फोटोग्राफर्स नहीं चाहिए जिनको ऐसा रहेगा कि मुझे सब आता है, आपको सब आता है। आई वॉन्ट अ टीम हु वॉन्ट्स टू लर्न। सो वील बी नीडिंग टू फोटोग्राफर्स, टू वीडियोग्राफर्स और एक जिसको एल्बम एडिट करना हो। सो जो भी बेनिफिट रहेगा फ्रॉम ईच एंड एवरी प्रोजेक्ट विल बी डिवाइडेड बिटवीन ऑल ऑफ अस एंड सबको लर्न करने की इच्छा होनी चाहिए। दैट्स द मेन मोटिव। हमको लर्न भी एक साथ करना है, ग्रो भी एक साथ करना है एंड अर्न भी एक साथ करना है। सो दिस इज द मेन मोटिव बिहाइंड क्रिएटिंग अ टीम। If you are interested, go to my Instagram handle camofolicggp93। आपको DM करना है या go to my Facebook account which is personal गौरव गावन फोटोग्राफी या गौरव गावन आपको मिल जाएगा एंड एक मैसेज भेज देना कि यू आर इंटरेस्टेड। उसके बाद हम फर्दर जो भी रहेगा वो प्रोसीडिंग कर लेंगे। सो नाउ टू स्टार्ट विद अ वीडियो, व्हाट आर द मोबाइल टिप्स एंड ट्रिक्स। ये जो फर्स्ट वीडियो था इससे बहुत अलग रहने वाला है। अगर आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखा हो तो आई बटन में ऊपर आपको वीडियो मिल जाएगा। एंड टू बिगिन द फर्स्ट स्टेप, आप कभी भी कोई भी मॉन्यूमेंट का फ़ोटो निकालते हो एकदम नॉर्मल सा आता है, कुछ डेप्थ नहीं, कुछ शार्पन नहीं रहता है इमेज, उसमें का कोई डिटेलिंग नहीं रहता है। सो यू हैव द टिप नंबर वन, यूज़ द HDR मोड इन योर मोबाइल कैमरा। अगर आप HDR मोड यूज़ करते हो, हाथ स्टेबल रखते हो तो आपको फ़ोटो एकदम शार्प मिलेगा, आपको डिटेल्स मिलेंगे। एंड विद एवरी टिप आई विल बी गिविंग यू अ एग्जांपल, वो भी ज़रूर देखना। इसके बाद आता है कैप्चरिंग सिलआउट्स। आपको सनसेट का सिलआउट निकालना होता है विद अ स्ट्रक्चर और अ सब्जेक्ट इन फ्रंट। आप नॉर्मली फ़ोटो खींच लेते हो, आपको दिखता है कि पीछे सनसेट है, आगे सब्जेक्ट है। बट इफ़ यू टैप द सब्जेक्ट एंड एक्सपोजर कम करो तो आपको सब्जेक्ट ब्लैक मिलेगा एंड यू गेट द सनसेट। दैट्स हाउ यू कैन क्लिक गुड सिलआउट्स। इसके बाद आता है ब्लर इन द इमेज, लाइक जो स्मॉल सब्जेक्ट्स रहते हैं ना, फ्लावर या कुछ भी, आपको डेप्थ चाहिए उसमें। सो द बेस्ट वे इज कीप अ डिस्टेंस बिटवीन द सब्जेक्ट एंड द बैकग्राउंड एंड द सब्जेक्ट एंड द कैमरा। टैप द सब्जेक्ट, यू कैन गेट द ब्लर जो आपको डिजायर हो। और अगर आप कभी भी, एक बोनस टिप है, सब्जेक्ट को टैप करते हो ना आपको ट्रू कलर्स मिलते हैं उसके, और अगर नॉर्मली क्लिक करते हो तो जो भी नॉर्मल कलर्स है एकदम नॉर्मल दिखता है वैसा मिलेगा।
इसके बाद होता है फ्रीजिंग द मोमेंट। इट कैन बी एनीथिंग, एक फाउंटेन हो, एक बाइक राइडर हो, एनीथिंग। अगर आप मोबाइल में नॉर्मली कैमरा से क्लिक करोगे ना तो आपको जो पीछे ब्लर रहता है वो नहीं मिलेगा। तो उसके लिए क्या कीजिए, ISO कम रखिए, दैट इज़ 100-200, ज़्यादा मत रखना उसके लिए। यू नीड द ब्लर इन द बैकग्राउंड। देन प्ले विद द शटर, गो टू 1000, गो टू 1/600, जो भी रहेगा वो। फ्रीज द मोमेंट, आपको हैंड स्टडी रखना है। इसके बाद आता है नाइट फोटोग्राफी। आप कभी भी नॉर्मल फोटो निकालोगे ना नाइट का, लाइक कैमरा होल्ड कर लिया और फोटो खींच लिया, आपको बहुत नॉइज मिलेगा। सो द बेस्ट वे इज़ गो टू द मैनुअल मोड, गो टू द मैनुअल मोड। आई नो ये डिफ़िकल्ट है बहुत लोगों के लिए, बीइंग न्यू टू फोटोग्राफी और डूइंग अ मोबाइल फोटोग्राफी। ISO 100 रखना, पुट योर मोबाइल ऑन द ट्राइपॉड इफ पॉसिबल, नहीं तो आपका हैंड एकदम स्टडी रखना। देन गो टू अ स्लो शटर, 1/30, 1/60, एक्सपेरिमेंट करो। फोटोग्राफी में ना आपको एक्सपेरिमेंट करना आना चाहिए। यू नीड टू बी पेशेंट फॉर द राइट शॉट। So this was my small and informative video on what is mobile photography, mobile tips and tricks. So if you like the video, give a thumbs up, do subscribe to our family, comment kijiye, share with your friends. We content creators are creating videos for you to learn. So hame bhi saath dijiye, grow our family and you'll be getting more informative and knowledgeable videos. Thank you so much.